हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में वोरन हेंस्टिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वोरेन हेस्टिंग्स था इसने बंगाल में क्या क्या कार्य किए तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको वोरेन हेस्टिंग्स के बारे में मतलब बताया था और मतलब उसका जीवन जो परिचय दिया है उसके बारे में हमने आपको बताया था ठीक है तो देखिएगा जो वोरियन हेस्टिंग्स है यह है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ठीक है तो देखिएगा जो इंग्लैंड की संसद ने सत्रह सौ ईस्वी में रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसको पास किया और रेगुलेटिंग जो एक्ट है इसके इसको सत्रह सौ ईस्वी में लागू किया गया और इस एक्ट के तहत जो गवर्नर का पद था वह गवर्नर जनरल का पद हो गया और सत्रह सौ ईस्वी में वारेन हेंस्टिंग है यह है गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया था ठीक है और इसने काफ़ी कुछ सुधार भी इंडिया में किए थे तो सबसे जो अच्छा सुधार है वोरन हेस्टिंग्स का जिसके कारण भारतीय जनता को काफ़ी मतलब सहयोग मिला था वह था द्वैत शासन का अंत करना और द्वैत शासन के बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया है तो मतलब कि सत्रह में बंगाल में जो क्लाइव था इसने द्वैत शासन व्यवस्था लागू की थी और मतलब सत्रह सौ ईस्वी में इस व्यवस्था का अंत है वह है वोरन हेंस्टिंग्ज करता है तो द्वैत शासन भी हमने आपको बताया था ये क्या था भाई जो सैनिक और आर्थिक व्यवस्था थी वो तो मतलब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने हाथ में रखती है और जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वह है बंगाल के नवाब को देती है इससे क्या होता है कि जो बंगाल का नवाब था वह एकदम से शक्तिहीन हो जाता है और फिर जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी के लोग हैं वो यहाँ के लोगों से काफ़ी मतलब बलपूर्वक मान लो चाहे टॉर्चर करके मान लो कुछ भी मान लो चाहिए यहाँ के लोगों को बहुत ही मतलब परेशान करते हैं और एक तरह से यहाँ पे अकाल पड़ जाता है और इस व्यवस्था को खत्म किया था बोरेन हैंस्टिंग्स ने ठीक है तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको ए, इस वीडियो में बताएंगे तो देखिएगा जो बोरेन हैंस्टिंग्स है सत्रह सौ पचास ईस्वी में कंपनी का कर्मचारी बनकर कलकत्ता आया था अपनी योग्यता एवं लगन के कारण ये निरंतर उन्नति करता जाता है और सत्रह सौ बहत्तर ईस्वी में बंगाल का गवर्नर न्यू कर दिया गया था अब क्या होता है कि इस समय कंपनी के सम्मुख कई सारी समस्याएं थी क्लाइव द्वारा स्थापित जो द्वेष शासन है इसके बुरे परिणाम मतलब स्पष्ट दिखाई देने लगे थे कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी हैं और भारतीय नायब दीवान हैं उनके अत्याचारों से वो क्या है कि भाई लोगों पे अत्याचार कर रहे थे और काफ़ी मतलब धन एकत्रित कर रहे थे और जनता का तीव्र शोषण भी उन्होंने आरम्भ कर दिया था कंपनी के संचालकों को भी विश्वास हो गया था कंपनी के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी अधिकार में रख लेते हैं ठीक है तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस, उनके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ के लोगों से काफी मतलब धन वसूलते थे और अपनी जेबों में रख लेते थे इससे क्या कंपनी को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था और उसकी इमेज डाउन हो रही थी तो क्या होता है कि सत्रह में जो संचालक समिति है उसने बंगाल कौंसिल के को अध्यक्ष को आदेश दिया कि कंपनी स्वयं दीवाने का कार्य करे तथा राजस्व वसूली का कार्य कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाए ठीक है तो मतलब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और सत्रह से तिरानवे के बीच विभिन्न गवर्नर जनरलों द्वारा किए गए जो प्रशासनिक परिवर्तन हैं उनमें से वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए जो प्रशासनिक परिवर्तन है वो देखेगा किस प्रकार से हैं सबसे पहला है वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा प्रशासन का पुनर्गठन तो यही है कि भाई जो कंपनी है वह स्वयं दीवानी का कार्य करेगी और जो राजस्व वसूली का कार्य है वह कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाए नायब दीवान तथा उसके अधीन कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जाए ठीक है दोनों नायब दीवानों को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया जाए ताकि नायब दीवानों द्वारा किए गए धन का अपहरण व घूसखोरी का पता लगाया जा सके ठीक है तो ये दोनों नायब दीवान कौन थे रज्जा खां और सिताब सितब राय ठीक है तो मतलब बात यही है भाई वोरेन हेस्टिंग द्वारा प्रशासन का पुनर्गठन अर्थात इसने ऐसे काम किए जिनमें मतलब कंपनी का इन, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो और जो फालतू के जो ज़्यादा मतलब कर्मचारी हैं उनको ख़त्म कर दिया गया जो मतलब योग्यताधारी थे या फिर जो ईमानदार कर्मचारी थे उनको ही रखा गया था ठीक है फिर अगला पॉइंट आता है बंगाल में द्वेत शासन का अंत ठीक है अब जो मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन का पुनर्गठन किया इसी आदेश के कारण वारेन हेस्टिंग्स ने अपना आ, पद मतलब ग्रहण करते ही क्लाइव द्वारा जो स्थापित द्वैत शासन है इसका अंत कर दिया और मतलब जो रज्जा खां और सितम राय थे दोनों नायब दीवान इनको पद से हटा दिया और इन पर मुकदमा चलाया गया इन दोनों के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं थे केवल दीवानी का कार्य अपने हाथ में लेने के औचित्य सिद्ध करने के लिए ये मुकदमे चलाए गए थे यह मुकदमा दो वर्ष तक चलता रहा और अंत में उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया इन मुकदमों से इतना लाभ अवश्य हुआ कि दोनों नायब दीवानों की प्रतिष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो गई और कंपनी को प्रभाव बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हो गया दिवाने के के प्रबंध साथ साथ न्याय प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी कंपनी के कर्मचारियों ने सामान्य नागरिकों और शिल्पियों पर भीषण अत्याचार करना आरंभ कर दिया था स्वयं संचालक समिति ने सत्रह सौ इगती में अपने कर्मचारियों के इन अत्याचारों को स्वीकार किया था अतः संचालकों ने बंगाल में न्याय व्यवस्था सुधारने का आदेश भी दिया था ठीक है तो मतलब कि भाई बंगाल में द्वेष शासन का अंत भी एक तरह से ओरन हेंस्टिंग ने कर दिया था इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है वो आता है प्रशासन संबंधी सुधार तो जो वोरेन हेस्टिंग्स है इसने प्रशासन संबंधी भी कई सुधार किए थे और मतलब इसने अपने कार्यकाल में एक राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए और इनके परिणाम भी बहुत अच्छे निकले थे संचालकों के आदेशानुसार उसने क्लाइव द्वारा स्थापित जो द्वेष शासन है इसको समाप्त किया दोनों दोनों नए दीवानों को इसने पद से हटाया इन पर मुकदमा चलाया और मतलब जो हेस्टिंग्स है इसने कर्मचारी कंपनी के कर्मचारियों के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि गैर कानूनी कार्य करने पर वह है कंपनी के कर्मचारियों को कठोर दंड दे सकता है और जो व्यक्ति राजस्व के उत्तरदायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाएगा उसे कानून के अंतर्गत तो कठोर दंड दिया जाएगा इसके अलावा कम कंपनी बंगाल के नवाब को जो मतलब तिरपन लाख रुपए वार्षिक देती थी इस राशि को घटाकर 16 सोलह सोलह लाख रुपये कर दिया गया क्योंकि अब कंपनी ने स्वयं प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया था नवाब के पारिवारिक मामलों का पुनर्गठन करने के लिए उसने मीर जाफर के उत्तराधिकारी नजमुदोला जो तो इस अल्प व्यस्त था के संरक्षण के लिए मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को संरक्षिका नियुक्त किया और मतलब प्रशासन का दायित्व कंपनी ने ग्रहण कर लिया अतः राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया ताकि जो वित्तीय प्रबंध है उसमें भी सुविधा रहे ठीक है तो इस प्रकार हेस्टिंग्स ने राजकीय जो खर्च है उसमें कटौती कर आय भी प्राप्त कर ली थी ठीक है फिर अगला पॉइंट आता है व्यापार संबंधी सुधार तो भारत में कंपनी का जो मुख्य कार्य वह व्यापार करना था किंतु कंपनी के कर्मचारियों ने अपने निजी व्यापार के कारण कंपनी के व्यापार में रुचि लेना बंद कर दिया था अब कंपनी को अपने राजनीतिक दायित्व पूरे करने के लिए सैनिक कार्य भी करने पड़ते थे इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक दृष्टिकोण से कंपनी की स्थिति खराब हो रही थी दस्तक दस्तक प्रथा थी इसका दुरुपयोग अभी भी प्रचलित प्रचलित था और जो दर, दस्तक प्रथा है यह थी कर रहित व्यापार का जो अधिकार पत्र था यह अंग्रेज़ों को दिया था किसने फारूक सियर ने ठीक है अतः हेस्टिंग्स ने दस्तक पत्र जारी करने की पद्धति को तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए और कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया इस आदेश का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्यों क्योंकि अब व्यापार भारतीय व्यापारियों के नाम से होने लगा जबकि वास्तव में व्यापार अंग्रेज अधिकारी करते थे और इसके अलावा मतलब जो हेस्टिंग्स है इसके आने से पूरे भिन्न भिन्न जमींदारों ने अपने स्वयं की चुंगी चौकियाँ स्थापित कर ली थी इन भिन्न भिन्न चुंगी चौकियों पर चुंगी वसूल करने से वस्तु की कीमत में भारी असंतुलन उत्पन्न हो रहा था भाई मनचाहा वो लोग कर ले रहे थे अतः हेस्टिंग्स ने समस्त चुंगी चौकियों को समाप्त कर केवल पाँच चुंगी चौकियाँ कौन कौन सी कलकत्ता हुगली ढाका मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित की हेस्टिंग्स ने यह भी आदेश दिया कि सभी माल पर चाहे वह यूरोपियन व्यापारी हो या कोई अन्य, सभी से से प्रतिशत की चुंगी वसूल की दर वसूल जाएगी। किंतु जो सुपारी है नमक है तंबाकू है इन पर लगने वाली चुंगी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया इन सुधारों से व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला और आय के स्रोतों में भी वृद्धि हुई थी अगला पॉइंट लगान व्यवस्था में सुधार कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की दीवानी का दायित्व ग्रहण कर लिया था अतः लगान व्यवस्था को नियमित करना आवश्यक था हेस्टिंग्स ने पाँच वर्षीय बंदोबस्त लागू किया भूमि पाँच वर्ष के लिए उन व्यक्तियों को दी जाने लगी जो अधिकतम लगान देने का वादा करते थे और सामान्य परिस्थिति में इस कार्य के लिए जमीन दारी को प्राथमिकता दी जाती थी जमींदार अपने किसान को उनकी भूमि का पट्टा देता था जिसमें किसान द्वारा दिया जाने वाला लगान दर्ज होता था जिले में लगान वसूल करने का काम कलेक्टर को सौंप दिया गया और उसके साथ अकेले भारतीय दीवान नियुक्त किए गए लगान वसूली तथा दीवानी न्याय एक दूसरे से संबंधित थे जिसके कारण प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतें स्थापित की गई लगान व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए मुर्शिदाबाद और पटना में एक एक भू राजस्व नियंत्रण परिषद स्थापित की गई थी समस्त भू राजस्व प्रशासन पर, पर नियंत्रण रखने हेतु गवर्नर तथा उसकी कौंसिल को राजस्व मंडल के नाम से पुकारा जाने लगा तथा उसकी सहायता हेतु एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई जो राय रायन कहलाता था ठीक है तो आ, मतलब हेस्टिंग्स की जो लगान व्यवस्था है ये मतलब पूरी तरह से अपन यह नहीं कह सकते कि भाई संतोषजनक थी अधिक बोली लगाने वाले व्यवसायी ही राजस्व वसूल करने का ठेका प्राप्त करते थे जिससे किसानों के कष्टों में ज़्यादा ही वृद्धि हो रही थी और केंद्र के राजस्व समिति को भी दीवान की दया पर छोड़ दिया गया और राजस्व मंडल की स्थापना तथा कलेक्टर के पद का सृजन करना राजस्व के क्षेत्र में हेस्टिंग्स के महत्वपूर्ण कार्य भी थे ठीक है तो देखिएगा अगला पॉइंट आता है न्याय संबंधी सुधार तो हेस्टिंग्स के आने के समय बंगाल में दो प्रकार की न्याय प्रणाली थी कौन सी एक तो थी मुगलकालीन प्रणाली और एक थी कलकत्ता में कंपनी का न्याय न्यायालय अभी तक न्याय का कार्य मुख्यतः स्थानीय जिम्मेदारी क्या करते थे तथा न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को वे अपनी निजी आय समझते थे अतः अतः जो जमींदारों के न्याय पूर्णतः भ्रष्ट थे ठीक है कंपनी के कर्मचारियों के हस्तक्षेप से स्थिति और भी खराब हो रही थी अतः हेस्टिंग्स ने बेहतर में न्याय प्रशासन में परिवर्तन किए प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत स्थापित की गई जिसका कार्य संपत्ति, विवाह जाति प्रथा ऋण लगान उत्तराधिकार से संबंधित मुक्ति में भी चलाई की भी सुनवाई की जाती थी जिले का अंग्रेज कलेक्टर दीवानी अदालत का अध्यक्ष होता था जिले की निजामत अदालत में चोरी हत्या जालसाजी और जबरन संपत्ति छीनने से संबंधित मुक्त में सुने जाते थे इस अदालत का संचालन काजी या फिर जो मुफ्ती होता था वो करते थे कानून के प्रश्नों पर सलाह देने के लिए दो मौलवियों की नियुक्ति की जाती थी इन जिला अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील कलकत्ता में स्थापित सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत में की जाती थी कलकत्ता काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता था गवर्नर जनरल सदर दीवानी अदालत का अध्यक्ष होता था तथा काउंसिल के दो वरिष्ठ सदस्य अदालत के सदस्य होते थे सदर निजामत अदालत का अध्यक्ष दरोगा या सदर काजी होता था जो बंगाल के नवाब द्वारा नियुक्त किया जाता था ठीक है अब देखिएगा मतलब कलकत्ता में यूरोपियनों के लिए मेयर की अदालत थी मेयर के अन्याय की अनेक शिकायतें संचालकों तक पहुंच चुकी थी इसके दोषों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दीवानी मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड के सम्राट के समक्ष भी की जा सकती थी ठीक है अगला आता आपका आरक्षी विभाग जिसमें वॉरन हेस्टिंग्स ने भारत में गवर्नर का पद ग्रहण किया था बंगाल में पूर्ण अराजकता छाई हुई थी जनता के जो उनका मतलब जान माल की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था इस समय कुछ लोग संन्यासों का वेश धारण करके जनता को लूट रहे थे जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार कर रहे थे अतः बंगाल में शांति और व्यवस्था बनाए रखने तो हेस्टिंग्स ने आरक्षी विभाग का पुनर्गठन किया तो आरक्षी विभाग या फिर आर आरक्षी व्यवस्था का पुनर्गठन वॉरन हेस्टिंग्स ने किया था उसने प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की और चोरों डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कठोर आदेश प्रसारित किए और इसके फलस्वरूप चोरों डाकुओं को गिरफ्तार कर गांवों में उन्हें फांसी दी जाने लगी इससे चोरों व डाकुओं पर काफ़ी सीमा तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया और ढोंगी सनाइयों का भी अंत हुआ हेंस्टिंग जी की इस कार्यवाही से बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित हो गई थी ठीक है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल में वोरेन हेस्टिंग्स का काल परिवर्तनों का काल था जिसमें कंपनी अपना रास्ता खोज रही थी प्रशासन के पुनर्गठन हेतु एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग किया गया ठीक है तो मतलब अपन निष्कर्ष तौर पर यह कह सकते हैं कि भाई जो हैंस्टिंग्स हैं इसने कंपनी शासन का पुनर्गठन कर व्यवस्था स्थापित की और जो मतलब उसके बाद आने वाले जो शासक हैं उनके लिए एक आदर्श भी सिद्ध किया इसने और मतलब वैसे देखें तो वो वॉरन हेंस्टिंग्स ने अच्छे कार्य भारत में किए थे और इसके बारे में हंटर नाम का कोई विद्वान है उन्होंने लिखा है कि वॉरन हेस्टिंग्स ने उस नागरिक शासन प्रणाली की नींव डाली जिस प्रकार वाले इसने एक विशाल भवन का निर्माण किया ठीक है तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए जो प्रशासनिक परिवर्तन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अच्छे से ये करके आना एग्ज़ाम में और इस वीडियो के बाद हम मतलब लाड कार्नवाल इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो मतलब यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें हमारे हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद